हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, तो इस बार ना अपने पुराने एक्सपीरियंस से मैंने देख लिया है कि अगर आप एक जगह पे सारे सामान को ठूस के रख दो ना, तो फिर वो ऐसे ही रहता है और आलस आ जाता है, मन नहीं करता है। जितना मैं काम चल रहा उतना ही करते, तो इस बार मैंने काफ़ी टाइम ले करके ना हर जगह को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जिसको जहाँ रखना है, जिस रूम में रखना है, जैसे रखना है वैसे ही रख रही हूँ। तो हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कर ही रही हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो हुआ है वही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार काम पे लग जाती हूँ ना, तो मुझे वो मोबाइल लेकर के रिकॉर्ड करो, ब्लॉग बनाओ, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है यार। घर का काम है, खाना बनाना है, वीडियो का काम है। आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा एक और भी चैनल है, तो उसका बहुत सारा काम रहता है। तो यहाँ पे हमने बेडशीट और कवर सब कुछ चेंज किया है। और ऐसा आपके साथ होता है क्या, जिस दिन कवर चेंज करो ना, बेडशीट चेंज करो, उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, फर्स्ट 2 डेज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ यहाँ पे हमारे जो कर्टन्स हैं ना, वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, लॉन्ग डोर वाले हैं, और यहाँ पे 7 फीट का कर्टन चाहिए। तो अब कौन नया कर्टन ले या फिर कौन बार बार स्टिच कराए? तो यहाँ पे जो भी हमारे कर्टन है ना, उनको हम फोल्ड करके स्टिच कर दे रहे हैं, और जो कॉटन वाले कर्टन्स हैं पुराने वाले ही, उनको हमने मतलब वॉश कर दिया, और यहाँ पे स्टीम आयरन कर रहे हैं, क्योंकि कॉटन में बहुत ज़्यादा ही ना इस तरह की लाइनिंग वगैरह पड़ जाती हैं, तो उसे हम आयरन कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे शियर कर्टन लगेगा, जैसे कि यहाँ पे ना विंडो के पीछे में सिर्फ एक वॉल है, कोई देखने वाला है नहीं, तो हमने सोचा क्यों यहाँ पर डार्क कर्टन लगाया जाए, ये शियर कर्टन से ही काम चल जाएगा। ये कर्टन मुझे बहुत पसंद है, बहुत साल पहले लिया था, लेकिन अभी ये मिल नहीं रहा है मुझे, और भी 2 पीस चाहिए पर मिल नहीं रहा है। आई थिंक ये लिलन्स वाले ब्रांड का है, अमेजन से लिया था। इस रूम में मैंने ग्रे कर्टन लगाए हैं, बट ग्रे कर्टन लगाते ही ना ये रूम बहुत ही छोटा और बहुत ही डार्क लगने लगा, तो मैंने बोला नहीं नहीं ये ग्रे कर्टन यहाँ नहीं अच्छे लगेंगे। कोयम्बटूर के लिए ठीक था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े रूम्स थे। सो मैं अपने स्टूडियो वाले जो रफल कर्टन थे ना, वो इस रूम में मैंने लगा दिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं विंडो के लिए भी यूज़ करूँगी यही कर्टन को। और आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। कितने बज रहे हैं? 6:30। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो 6 बजे का अलार्म लगाया था। पहले मैं उठी, ये नहीं उठ रहे थे, फिर मैंने उठ रही थी, फिर उन्होंने मेरे को जबरदस्ती उठाया, और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। और काफ़ी ठंड लग रही है अभी, हम लोगों ने सिर्फ एक एक लेयर डाला हुआ है, पर बहुत ठंड लग रही है, तो कल से ना थोड़ा दो दो लेयर या फिर कुछ मोटा सा पहन के आना पड़ेगा। 6:30 बज रहे हैं, बट अभी तक ना सनराइज नहीं हुआ है। 15 डिग्री है आज। 15 डिग्री है, पता नहीं है। तो जैसे ही घर से निकले ना, वैसे कनकनी लगने लगा वापस। दिख तो रहे नहीं है, भूत जैसा लग रहा है। उधर से सनराइज होगा अभी, तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं ठंडा से छिटू 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 करते हुए। उल्टा हो गया, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। राउंड तो लगाना ही है, पर मैंने सोचा 2 राउंड लगाने का, 1 घंटा पूरा वॉक, पूरा दिन का एक ही बार निपट जाए, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है, या ठंड से भाग भाग के आ जाते हैं वापस। जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे गाइस। तो हम लोग 1 राउंड लगा के आ गए हैं अपार्टमेंट के चारों तरफ, बाहर से ले मतलब एक गेट से लेके दूसरे गेट तक 1 घंटा हो गया। बीच में यहाँ अपार्टमेंट के चारों तरफ घूम रहे थे। अभी 7 बज गया है और रोशनी भी आ गई है। वॉक से आने के बाद यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने रात में सोख करके रखे थे, आमंड्स एंड अंजीर। मुझे अंजीर सोख के और जो वाटर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा। साथ में ये जो डेट्स है वो मैं नॉर्बिट से लेके आई थी, काफ़ी बड़े बड़े, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी डेट्स हैं। तो सबसे पहले वाटर पी लेते हैं, और वाटर पीने के बाद ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो भी हैं वो खा लेते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जूस, एबीसी जूस। यहाँ पे ना हम लोग एक दिन एबीसी जूस पीते हैं और एक दिन ग्रीन जूस पीते हैं, जिसमें कद्दू, पालक और
आंवला ये मिक्स करते हैं और जो भी पत्तियां होती हैं, और एक दिन एबीसी जूस पीते हैं। ऐसे खाना चाहिए, गाजर बीट एप्पल ये सब खाना ही चाहिए, बट बीट तो बिल्कुल भी खिलाएगा नहीं। तो जूस पीना भी अच्छा रहता है, मतलब वो डायरेक्टली बॉडी में जाता है, तो जूस पीना भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जूस डेली ही बनाती हूँ, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से आप देखते आ रहे होगे, मैं डेली मेरे घर में कुछ ना कुछ जूस डेली ही बनता है, चाहे वो पेठे का हो, चाहे वो कद्दू का हो, चाहे वो ऑरेंज का हो। ऑरेंज के मौसम में तो मैं लगातार ही ऑरेंज का जूस बनाती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हमें जाना है बाहर, तो हम लोग फटाफट से सुबह का जो भी तामझाम है वो कर रहे हैं, लाइक फ्रूट्स खाना, जूस पीना एंड उसको नाश्ता करके लोग फटाफट से निकलने वाले हैं। कुछ ज़रूरी काम भी है और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, 1 बजे से मूवी है और अभी 10:20 हो चुके हैं। तो यहाँ से जाने वाले में, वहाँ काम करने में, सब करने में, मतलब मूवी से पहले काफ़ी टाइम लगेगा, तो फटाफट करना है। फटाफट करते हैं, खाते हैं, खाने से पहले पीते हैं। तू पी भी लिए? कब पिए? ये अभी पी भी रहे तो मेरे को पता भी नहीं चलता, मेरे को बंद ऐसे दाग करना पड़ता है और उसके बाद बीट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, बहुत अजीब होता है। एंड कल आने वाली है मेरी मम्मी, और मेरा भाई, एंड परसों इनका बर्थडे। सुना है बर्थडे अभी है, अगले साल के लिए नहीं, इस साल के लिए। बर्थडे में इनको कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं नेक्सस मॉल। बीच में हमें बैंक भी जाना था बट मिला नहीं, और अभी जाके आने में फिर मूवी का स्टार्टिंग छूट जाएगा, इसलिए हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं। सो ना, सामने कुछ है ऊपर में पार्किंग की। Check Quizmaster, India का first digital quiz show. General knowledge काम आएगा, काम आएगा. Download the app now. बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ना मूवी स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाते हैं, है ना? नहीं तो हमेशा हम लोग का स्टार्टिंग का 15 मिनट, 25 मिनट छूटता ही छूटता है, पर अभी टाइम है। इस हमारे से पठान देखने के लिए मैंने टिकट बुक किया था 4DX में। 3 घंटे जो हिलाया है भाई, जो हम लोगों ने सीट को उथल पुथल उथल पुथल किया है ना, बैंड बज गई है बॉडी की। पूरी मूवी में एक्शन सीन था, इतना हिलाया है, इतना हिलाया है पूरे सीट को, मूड खराब हो गया। टॉर्चर लगा था, मूवी नहीं देखा, टॉर्चर सारे। रिएक्शन कुछ नहीं था, हम तो मुंह में जैसे लिया था, हां ये क्या है, तुम खाए हो ये वाला, खाते हैं इनको, गुड़ वाला रसमलाई खा के कुछ अजीब सा नहीं लगा मेरे को, लगा कि ओ ये क्या है, मेरा तो ये स्पॉन्जी रसगुल्ला मस्त है। चीनी लग रहा, चीनी लगता है तुमको, और तुम्हारा क्या लग रहा है, नमक? मिठाई बाद में खाना था, पहले मिठाई हम लोग खा लेते, डन, भूख खत्म। किसके लिए लिया? अपने लिए।
पहले खाना खाना चाहिए तो फिर मिठाई, मतलब पहले मिठाई खा ली। यहाँ पे हमने मंगाया था ये थाली, ये नवाबी थाली थी हल्दीराम से। देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी बट खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। बस मुझे इनका ये दही बड़ा अच्छा लगा था, साथ में ये दाल अच्छी थी, जो काली दाल थी वो अच्छी थी। बाकी मुझे कुछ खाने में अच्छा नहीं लगा, मे भी भूख नहीं था इसलिए और भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, और बहुत ही सादा सादा सा लग रहा था, उतना मज़ा नहीं आया। मम्मी पगला जाती खाने के बाद हम चले गए थे वेस्ट साइड, क्योंकि नितेश का बर्थडे था तो उनके लिए बर्थडे ड्रेस लेने, क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं उसके लिए थोड़ा उसी टाइप का आउटफिट देख रहे थे। बट उनको पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आया मुझे उसमें साइज़ नहीं था, तो वो जो उन्होंने पहना था ना वो बड़े साइज़ में था। फिर भी हमने बोला कि ले लो, अब यही बचा हुआ है तो क्या करें। फिर मैंने ये थाली देखी, बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये ना ऊपर से गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, ये कांसे का या फिर ब्रास का नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि गोल्ड पॉलिश तो चला जाएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और नितेश ने यहाँ से ये कटिंग चाय वाली ग्लास विद स्टैंड लिया हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि उन्होंने किचन के लिए कुछ आइटम लिया हुआ है, उनको काफ़ी अच्छा लगा तो फिर उन्होंने ले लिया। एंड उसके बाद हम गए स्केचर्स, क्योंकि मुझे नितेश को देना था बर्थडे गिफ्ट। एक्चुअल में जो गिफ्ट देना था वो यहाँ मिल नहीं पा रहा है, वो ऑर्डर देने पे 1 मंथ के बाद आएगा। तो यहाँ स्केचर्स में ना काफ़ी टाइम पहले, कुछ मंथ पहले हमने एक देखे थे वाइट स्निकर्स जो बहुत अच्छे लग रहे थे शूज़, तो उस टाइम पे नहीं लिया था क्योंकि कुछ सेल वेल नहीं था, अभी भी नहीं था, बट मुझे उनको गिफ्ट देना था तो मैंने बोला कि चलो कुछ तो देना है, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आए थे शूज़ देखने के लिए, तो किसी में साइज़ नहीं मिल रहा था तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बट फाइनली कौन सा लिया है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, मे बी बर्थडे वाले व्लॉग में। साइज़ नहीं है, एंड यहाँ पे बिलिंग विलिंग करा करके हमें भूख लग गई थी, तो हम चले गए ऊपर फूड कोर्ट में खाने के लिए। तो गाइस शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे ये चल रही है पार्टी विद कॉफी, केक, क्रोशन, चिकन, एंड ये है मिस्टर नितेश कुमार, एंड ये है हमारी शॉपिंग।